नमस्कार दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 से 6 ऑफिशियल नोटिस और 2 से 3 जो है पेपर कटिंग शेयर करने वाले हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले यहां पे देखिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 16/7/2022 18/7/2022 द्वारा जो कर्म संख्या इतना का जो है चुनौती यानी कि चैलेंज का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चलिए हम नीचे आपको दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैलेंज का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सब जो भी सब्जेक्ट का है MBBS सेकेंड का, यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड भी दिया गया, रोल नंबर भी दिया गया। ठीक है, आप लोग इसमें से है ध्यानपूर्वक देख ले, क्योंकि यहाँ पे जो है करीब 3 से 4 5 6 पेज का यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। ये दोस्तों चैलेंज का रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से विश्वविद्यालय सत्र 21 से 23 में BEd स्पेशल एजुकेशन ID परीक्षा यहाँ प्रदेश से आयोजित आयोजन के संबंध में यहाँ पे कुछ अपडेट है, जिसमें कि कुछ यहाँ प्रदेश स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड बैक एग्जाम पेपर के लिए कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक रखें, और आपको बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं करीब 2 अपडेट था। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस की ओर। नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें कि लिखा है संशोधित आवेदन पत्र फॉरवर्डेड ना लिखें। यहाँ पे देखिए इस तरह से अधिसूचना की तरफ से आई जानकारी के अनुसार आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे विश्वविद्यालय के सत्र 21 से 24 में सम सेमेस्टर जून पर स्नातक LLB LLM MA MS MCOM ओल्ड कोर्स BA BSc जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स का नाम भी दिया गया, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए। इसमें देखिए वेबसाइट पे इतना प्रवेश उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम अपने महाविद्यालय संस्थान से यहाँ पे जो है अवगत करा सकते हैं, सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस तरह से अपडेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस डेट में क्या होने को है, एग्जाम होने को है, वो सभी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको कुछ और दिखा दे रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जानकारी को बिल्कुल आसान तरीके से हासिल करने के लिए ध्यानपूर्वक बने रहे इस वीडियो में। जैसा कि लाइव आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एग्जाम सेंटर वगैरह का जो डिटेल्स है देखने को मिला है, उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित LLB 3 वर्ष पाठ्यक्रम में देखिए कुछ अपडेट है। इसमें क्या कहा कि पहले जो एग्जाम डेट था उसको अपडेट करके न्यू एग्जाम डेट इस तरह से 28 जुलाई से है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट है और यहाँ पे क्लास LLB है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मूल्यांकन यानी कि कहा जाए तरह से जो चुनौतियों का जो अपडेट है वो दोबारा सा यानी कि दोबारा सब्जेक्ट से भी जारी किया गया है। तो देख सकते कौन सा पेपर का है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी दोस्त लोग BDS फाइनल से हैं और उसको चैलेंज वगैरह किए होंगे, तो इस तरह से रिजल्ट उनका जो MBBS वगैरह का जो है जारी किया गया, तो आप लोग देख लीजिए। चलते हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर कटिंग की ओर। पेपर कटिंग में यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने है स्थगित हुई परीक्षा 28 जुलाई से होंगी। यहाँ पे देखिए CCSU के संबंध में जो भी कोर्स का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एग्जाम होने वाला था उसको स्थगित कर 28 तारीख से दोबारा से एग्जाम स्टार्ट यहाँ पे जो होगा। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे कहा गया चुनौती का मूल्यांकन जारी हो गया, लेकिन रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। तो जो भी दोस्त लोग रिजल्ट नहीं चेक किए हैं फटाफट चेक कर लें। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यपाल ने देखा CCSU की नेट रिपोर्ट का प्रोजेक्शन। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्शन का आप लोग यहाँ पे देख सकें इस तरह से अपडेट है, तो ध्यानपूर्वक जानकारी को हासिल कर लें। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।